नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। दोस्तों आज मैं आप सबको लेकर आया हूँ बलिया जिला के अंतर्गत आने वाले एक ऐसे जगह पे जिसको खाकी बाबा के नाम से जानते हैं। देखिए खाकी बाबा के यहाँ में जो है कि बलिया जिला के अंतर्गत जो है खनवर गाँव है, वहीं पर खाकी बाबा का एक बहुत ही विशाल मंदिर है। तो आइए मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ खाकी बाबा के दर्शन करवा। दोस्तों ये है खाकी बाबा मंदिर का मेन गेट, आप देख सकते हैं श्री खाकी बाबा धाम के नाम से जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। ये यहाँ के आसपास का नज़ारा है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको दिखाता हूँ यहाँ पे यहाँ खाकी बाबा के मंदिर का नज़ारा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ मैं थोड़ा सा इतिहास भी बताना चाहूँगा इस खाकी बाबा के बारे में। ये मंदिर जो है यहाँ के विधायक श्री उमाशंकर सिंह जी के द्वारा बनवाया गया है। यहाँ से बलिया से लगभग ये 34 किलोमीटर जो है मंदिर पड़ता है। यहाँ से पास में ही रसड़ा और नगरा गांव है, रसड़ा जो कि एक सिटी है। तो आइए मैं आपको और आगे लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ यहाँ का कुछ नज़ारा। के पास ही आपको छोटी छोटी दुकानें देखने को मिल जाएंगी, देख सकते हैं यहाँ पे पूजा पाठ के लिए जो है छोटी छोटी दुकानें लगाई गई। हमारे मित्र जो है भोपू बजा रहे हैं। दोस्तों आपको यहाँ मंदिर के जस्ट सामने ही पास में ही आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों ये है मंदिर के अंदर जाने का मुख्य द्वार। तो आइए आपको लेकर चलता हूँ मंदिर के अंदर और आपको दिखाता हूँ यहाँ के अंदर का नज़ारा। दोस्तों आ गया है मैं मंदिर के अंदर और आपको दिखाऊंगा यहाँ के आसपास का नज़ारा, क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत ही अच्छी जगह पे जो मंदिर बनाया गया है, काफ़ी शांति है। यहाँ पे दूर दूर से लोग जो है बाबा के दर्शन करने को आते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। यहाँ पे दूर दूर से जो लोग जो है बाबा के दर्शन करने को आते हैं। अब देखिए इस प्रांगण में ही भगवान भोलेनाथ जो है बिल्कुल विराजमान है। आइए मैं आपको दिखाया था अंदर से। ये भगवान भोलेनाथ का मंदिर है जो कि इसी प्रांगण में जो है बनाया गया है। दोस्तों इस मंदिर के प्रांगण में श्री हनुमान जी भी विराजमान है, आप देख सकते हैं हनुमान जी का मंदिर है। तो आइए दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूँ और अंदर और दिखाता हूँ यहाँ के आसपास का नज़ारा कि और क्या क्या चीज़ें इस मंदिर में जो है आपको देखने को मिलेंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो में बने रहें और वीडियो को एंजॉय करें। देख सकते हैं यहाँ के आसपास का नज़ारा, काफ़ी शांति है और काफ़ी भीड़ भी है। बहुत भारी मात्रा में जो है लोग यहाँ पे बाबा जी के दर्शन करने को आए हुए हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ आगे अंदर का नज़ारा। फोटो खिंचवाने का खुमार देखिए भाई साहब, पेड़ पर चढ़ के फोटो खींच। श्री खाकी बाबा के दर्शन और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे इसका देखिए दोस्तों ये है मेरे पीछे जो है खाकी बाबा का मंदिर। आइए मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाया।
तो ये है दोस्तों खाकी बाबा का एक प्राचीन और विशाल मंदिर। आइए मैं आपको और पास से दिखा देता हूँ। ये मंदिर जो है खनवर नामक गांव में जो है बनाया गया है, जिसको श्री उमाशंकर सिंह जो कि यहाँ के विधायक हैं, उनके द्वारा इसको एक पर्यटन स्थल केंद्र जो है बनाया गया है। आइए मैं आपको खाकी बाबा के दर्शन करवा देता हूँ, जो कि एक समाधि स्थल है। दोस्तों ये है श्री खाकी बाबा, जो कि यहाँ उनकी समाधि है। उन्होंने जो है यहाँ पे समाधि ली थी। आप उनके दर्शन करिए। काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे बाबा के दर्शन करने के लोग आते हैं। आइए मैं आपको और आसपास का नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ के, कि और भी क्या क्या चीज़ें हैं। आप भी एक बार वहाँ बलिया जिले में अगर आप हैं तो इस मंदिर में एक बार जरूर विजिट करें। आप देख सकते हैं काफ़ी शांत वातावरण है यहाँ का। मंदिर के पास में ही और भी एक दो मंदिर है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारा। यहाँ पे श्री गणेश जी विराजमान है, आप देख सकते हैं। आइए यहाँ पे श्री लक्ष्मी जी भी विराजमान है। आइए मैं आपको इनके भी दर्शन करवा देता हूँ। दोस्तों मंदिर के सामने ही काफ़ी विशाल विशाल पेड़ है, देख सकते हैं। प्राचीन बरगद का पेड़ है और यहाँ पे खाकी बाबा का मंदिर है। आप यहाँ के आसपास का नज़ारा आप देखिए। यहाँ सामने जो है तालाब है, जो कि बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। अभी मैं आपको यहाँ का भी दृश्य दिखाने वाला हूँ। यहाँ मंदिर के पास में ही और छोटे छोटे मंदिर हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बीड़ा बादमी जो है विराजमान है। दोस्तों इस मंदिर के प्रांगण में एक बहुत ही प्राचीन पीपल का पेड़ है, आप देख सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में पीपल की भी पूजा होती है, आप देख सकते हैं। दोस्तों दोपहर का समय है और यहाँ पे लोगों की काफ़ी जो है भीड़ है। इस समय भी लोग यहाँ पे जो है यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। आप मेरे पीछे देखिए, ये यहाँ का जो है तालाब है, जहाँ पे लोग जो है घूमने के लिए अक्सर आया जाया करते हैं। ये एक आकर्षण का केंद्र है यहाँ पे। ये यहाँ का तालाब है, अब देखिए आर्टिफिशियल जो है पेड़ है। दोस्तों ये खाकी बाबा के मंदिर के अंदर का नज़ारा है, आप देख सकते हैं। काफ़ी एक बढ़िया सा तालाब है, यहाँ पे जो है काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, जिसको लोग जो है यहाँ पे दाने खिलाने का काम करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी थोड़ी मछलियाँ दिख ही रही होंगी आपको। देखिए दोपहर का समय है और काफ़ी लोग भी हैं यहाँ पे। तालाब के बीचों बीच आपको एक मूर्ति दिख रही होगी दोस्तों, मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, जो कि राधा और कृष्ण की मूर्ति है, जो कि तालाब को बीचों बीच ही बनाया गया है। इससे इस मंदिर की और इस तालाब की काफ़ी जो है सुंदरता बढ़ गई है। आप देख सकते हैं दोस्तों आप साइड से कितना सुंदर लग रहा है यहाँ का नज़ारा। दोस्तों हमारे साथ में दो मित्र और आए हुए हैं, मैं अभी आपको उनसे भी मिलवाने वाला हूँ। दोस्तों इस वीडियो को आप एंजॉय करें और मैं यहाँ के आपको पूरा नज़ारा दिखाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो में बने रहें।
दोस्तों ये मंदिर के इस तालाब से पीछे का नजारा दिखा रहा हूँ। मेरे दो मित्र और आए हुए हैं, आइए मैं आपको उनसे ही मिलवा। दोस्तों ये हमारे दो मित्र जो है हमारे साथ में आए हुए हैं, ये है प्रवीण कुमार जो कि बंधन बैंक के मैनेजर है, और ये हमारे मित्र हैं संतोष कुमार जो कि सियासत में है इस समय। तो हम इन्हीं के साथ जो है घूमने के लिए आज आए हुए हैं खाकी बाबा के मंदिर में। मीडिया भले कुछ भी दिखा है कि ना, पर आदमी जाता है तो कहीं भाई उसको रिस्पेक्ट करता है। तो आइए वीडियो में बढ़ते हैं और आगे, और आसपास का नजारा और भी देखने लायक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे भगवान भोलेनाथ जो है एक प्रचंड रूप में जो है विराजमान है। पत्थरों की शिला बनाई गई है, ये पत्थरों की शिला आप देख सकते हैं, काफी देखने में जो है सुंदर लग रहा है। दोस्तों अगर आप आसपास से बिलोंग करते हैं तो एक बार यहाँ पे जरूर विजिट करें, काफी अच्छी जगह है। इस तालाब के ऊपर के लिए यहाँ पे एक ब्रिज बनाया गया है, आप देख सकते हैं ये ब्रिज है। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ इधर। तो आइए तो ये है श्री खाकी बाबा का मंदिर जो कि खनवर नामक गांव में जो है बना हुआ है, ये बलिया जिला के अंतर्गत ही आता है। दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा मेरे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।